Hello, students. I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study some characteristics of living things. In the previous classes, we have di discussed the difference between living and non living organisms. So, what are the characteristics of living organisms? So, there are seven important characteristics of living organisms.

ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो जो भी ऑर्गेनिज़म ये जो यहाँ पे हमने जो मेंशन किए हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो आज की क्लास में इन सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी करने वाले हैं तो उसमें आता है फर्स्ट वन जो हम आज स्टडी करेंगे वो है ग्रोथ तो ग्रोथ जो है तो ग्रोथ मतलब क्या होता है या ग्रोथ होने के बाद हमारे बॉडी में या कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है तो ये जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है तो उसमें अगर आप देखते हैं तो प्लांट जो है वो क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है तो ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है तो ग्रोथ मीन्स अ परमानंट इंक्रीज इन साइज ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है अ परमानंट इंक्रीज इन साइज़ एंड ड्राई मास बाई एन इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल साइज और बोथ तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताइए तो ग्रोथ जो होती है तो ग्रोथ जो है वो परमानेंट चेंज है जो चेंज क्या करता है हमारे बॉडी में से सेल नंबर या फिर सेल साइज़ या फिर बोथ सेल नंबर एंड सेल साइज़ को इंक्रीज करता है तब जाके हम उसको क्या कहते हैं ग्रोथ कहते हैं तो ग्रोथ मीन्स यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है जिसमें साइज या फिर शेप जो है वो चेंज होता है ड्यू टू एब्सॉपशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो इस चीज़ को हम कहेंगे ग्रोथ तो ग्रोथ को अगर आप डिफाइन कर आपको डिफाइन करना है तो ग्रोथ मीन्स

उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी मीन्स सिंगल एंड जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ सेल सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है यानी कि अगर एक सेल उनके बॉडी में प्राजेंट है हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की मल्टी मीन्स मैनी ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सो इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ सेल अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है तो यहाँ पर अगर ये कंसिडर कीजिए ये पेरेंट सेल है अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि डिविजन होगा और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे तो जो पेरेंट सेल है वो सिंगल सेल है तो इसका डिवाइडेशन होके या इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे होगी और दो सेल का फॉर्मेशन करेगी इसके बाद ये जो टू सेल्स है वो अनदर टू टू सेल्स को फॉर्म करेंगे यानी कि यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म हो जाएंगे फोर सेल्स देन फोर सेल जो है ईच सेल अगेन टू टू सेल्स को फॉर्म करती है तो इसका मतलब क्या है ये जो नंबर है सेल्स का वो इंक्रीज हो जाता है तो लिविंग थिंग्स चेंज इन साइज एंड फॉर्म ड्यू टू एब्सॉपशन ऑफ न्यूट्री एंट्स सो इस इट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ तो ग्रोथ जो है वो इससे हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी में क्या हो रहा है सेल का नंबर जो है वो इनक्रीज़ हो रहा है अभी सेल मीन्स वॉट तो सेल जो है वो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स तो ये जो सेल है इस सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है इसमें अगर आप देखते हैं कि जो डॉग है तो उसका जो बेबी होता है वो कौन होता है पपी तो जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में ऑब्ज़र्व कर सकते यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स दिखाए हैं जैसे कि ये पपी है अब इसकी ग्रोथ हो गई तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी साइज जो है या इसका मास जो है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया वैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बॉय एंड गर्ल है जिसके बाद जैसे एज बढ़ जाता है तो वैसे क्या हो जाता है कुछ ग्रोथ कुछ एक्सटेंड तक हमें क्या दिखता है ग्रोथ दिखती है यहाँ पे अगर आप ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सीड को जैसे हम सॉइल में सोइंग करते हैं तो इसके बाद इसका जर्मिनेशन हो के ये प्लांट का फॉर्मेशन होता है ये फिर ग्रो हो जाएगा और फाइनली क्या बनेगा बिग ट्री बनेगा तो ये जो है ये क्या है ग्रोथ है तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं तो इनके बॉडी में सेल का साइज़ एंड सेल की शेप जो है सॉरी सेल का साइज़ और सेल का जो नंबर है वो क्या हो गया इनक्रीज़ हो गया है इसकी वजह से ये जो है ये ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनमें हमें ग्रोथ जो है वो क्या होती है ऑब्जर्व होती है तो ग्रोथ का मीनिंग क्या हो रहा है ग्रोथ मीन्स जहाँ पे सेल नंबर एंड सेल साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में उसका जो मास होता है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ सो ये जो पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं तो आज के लिए होमवर्क है आपको डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड मैंशन द थिंग्स विच in इन अवर इन योर सराउंडिंग विच शो द ग्रोथ सो इसमें आप kar uh, कर सकते जैसे कि garden अगर है आपके घर के यहाँ पे तो गार्डन में जो भी आपने प्लांट्स आप वहाँ पे जो लगाए हैं तो उसकी ग्रोथ अगर ऑब्जर्व की है आपने तो वहाँ पे वो भी आप लिख सकते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि सराउंडिंग में हमें ग्रो होते हुए दिखाई देती है तो उन चीज़ों को आपको लिस्ट आउट करना है और जो ग्रोथ है उसको क्या करना है डिफाइन करना है तो ये फर्स्ट कैरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर वन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर टू मेंशन द मेन सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं तो वो लिस्ट आउट आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर टू में तो ये आज का होमवर्क है ना तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स